अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। और जी ये व्लॉग मैं स्टार्ट करी थी दोपहर के टाइम से, काफी लेट हो गई थी मैं आज क्योंकि रात को हम लोग लेट नाइट तक मूवी देखते रहे कजन वगैरह, इस वजह से ना फिर यहाँ पे तकरीबन 3 बज रहे थे। वैसे तो मैं तकरीबन 1 बजे तक उठ गई थी, लेकिन मैं नीचे इसलिए लेट आई थी, मेरी कजन भी अभी आई थी, वो अपने कॉलेज गई हुई थी, तो हमने कहा चलो वो आ जाती ना फिर उसके साथ नाश्ता करेंगे, तो बस इसीलिए फिर इसमें लेट हो गया। और फिर मामी ने जो है हमें नाश्ता बना के दिया मेहरानियों को तो तकरीबन खाने का ही टाइम हो गया था। तो नाश्ते में जी टोस्टेड ब्रेड थी और ऑमलेट वगैरह, चाय वगैरह यही सब था, तो बस वही हम कर रहे थे। मम्मी शुरू से ही जो है ना इस तरह हमें नाश्ता, जब पहले भी हम रहते थे ना आके छुट्टियों में ज्यादा इधर रहते होते थे मरियम की तरफ ना, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ ज्यादा बातचीत है इस वजह से, तो बस यहाँ पे हम वही नाश्ता कर रहे थे। और ना एक केक रस्क बहुत मजे के थे, किसी लाहौर की बेकरी के थे, मुझे इधर का पता नहीं कौन से थे, लेकिन इस पे क्योंकि वो बॉक्स नहीं था इसका, पर बहुत टेस्टी थे, मुझे बड़े पसंद आए ना। लगे यहाँ पे ना मीर के भी होते हैं गुजरावाला में, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद वो केक रस, पता नहीं लोगों को उनका क्या पसंद है, इधर सबको काफी वो पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद वो मीर के जो केक रस्क है ना। उनकी बाकी चीजें फिर भी अच्छी हैं लेकिन केक रस्क नहीं मुझे उनके पसंद। बाकी हर किसी की ना अपनी चॉइस होती है। खैर यहाँ पे मैं ऊपर आई छत पे, तो मैंने कहा चलो बाहर देखते हैं मौसम कैसे आज। तो यहाँ पे मुझे एक बिल्ली नजर आई, इतनी प्यारी कैट थी ना, और बिचारी की एक आंख खराब थी। मैंने वैसे ही जूम किया ना, तो मैंने गौर किया, मैंने कहा अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ ना, तो बिचारी इतनी मासूम सी लग रही थी, तो क्यूट सी थी उसके बाद यहाँ पे जी तकरीबन रात का टाइम हो गया था, और आज मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, मामू कहे थे बनाओ तो मैंने बनाई थी। पता क्या, मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी और के मतलब किचन में काम करके ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किचन में अपनी चीजों के हिसाब से ना ज्यादा अच्छी चीज बना सकती हूँ। ये भी अच्छी बनी थी लेकिन मुझे वो मजा नहीं आया जो मैं घर पे चीज अच्छी बना लेती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे केक भी बेक किया था, मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, वो भी मुझसे इतना अच्छा नहीं बना, मामू के घर ना वो दूसरे मामू के घर बनाया था, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, कि अपनी किचन की ना आदत होती है, वहां की चीजों का पता होता है, इंसान अपने तरीके से ना अच्छी चीज बना लेता है। अली ने मोहम्मद ने गम्मा, अच्छा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कैसे मजे का मजे का मजे का मजे का मजे का मजे का। और जी यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे बाहर सब कजन्स मिलके ना मार्केट वाइज साइड पे, हमने कहा चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं आजकल हमें बस यही काम है, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, बस कुछ छुट्टियां और रह गई हैं फिर वापस मैंने घर आ जाना है। और यहाँ पे बस हम मार्केट आए थे, हमने कहा कुछ चिप्स बिस्किट्स वगैरह ऐसी चीजें ले लेते, और आते साथ ही चिप्स वाली साइड पे मैं हमेशा कैटेचिन्स उठाती हूँ क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट चिप्स है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसी तरह जो है ना हम चिप्स वगैरह इकट्ठी कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे कमेंट का जो है मतलब जवाब तो मुझे कमेंट आया था, मैं एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो कि मेरे हर व्लॉग पे कमेंट करती है, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग करते हैं मुझे पता होता है कौन डेली व्लॉग देख रहा है मेरा। तो बाकी उन्होंने कहा था कि मेरा नेम है सादिया, आपने जरूर अपने व्लॉग में लेना है, तो मैंने कहा था हाँ जी मैं लूंगी, लास्ट व्लॉग में मैं भूल गई तो अब मुझे याद आया, मैंने कहा जरूर लेना है, सादिया है तो मेरे व्लॉग्स देखती है, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगता है। और भी अगर कोई चाहे कि आप मेरा नाम ले व्लॉग में तो मैं जरूर लूंगी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जी अगर कोई चैनल पर नहीं आया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरह के मजे के व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। और जी बस यहाँ पे हम लोग डिसाइड करे थे कौन सी आइसक्रीम ले, मैंने कहा मैं तो ये डबल चॉकलेट कॉर्नेटो में लूंगी, ये बहुत अच्छी लगती है, ये जितनी मर्जी खा लो उतनी जब खाओ मजे की लगती है, तो बस हम यहाँ पे खाए थे। मेरे कजन स्ट्रॉबेरी ली थी, उसे वो फ्लेवर पसंद है, तो बस हम आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। जी आप लोगों को सामान से तो अंदाजा हो गया होगा क्या बेक करने जा रहे हैं हम लोग, इस टाइम कर रहे हैं बेक ब्राउनीज और मरियम के हाथों की बनी ब्राउनीज। अगर तुम खिलाओ आज मैं नहीं बेकिंग कर रही, मैंने सुना बहुत मजे की बनाती है ब्राउनीज, तुमने कहा चलो तुम रेसिपी भी सिखा दो यूट्यूब पे, मैं ही सिखाती रहती हूँ, कोई डिफरेंट भी तुम रेसिपी सिखाओ, मैंने अपने तरीके से तो काफी आप लोगों को केक्स बनाना सिखाए हैं, ब्राउनीज भी सिखाई है, तो आज मरियम हमें जो है ना आपको ब्राउनी फजी ब्राउनीज की रेसिपी सिखाएगी, और मरियम वाकई फजी होनी चाहिए। ओके तो चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। जी चॉकलेट आप पे डिपेंड करता है, आपको ज्यादा फजी चाहिए उतनी चॉकलेट आप डाल सकते हैं, फिलहाल हमारे पास हाफ पड़ी थी। 200 ग्राम वाली जो क्रेव की चॉकलेट होती है ना वो है, तो सेमी स्वीट चॉकलेट लेनी है, ये जो इसकी डार्क चॉकलेट है ना सेमी स्वीट के बराबर ही होती है, ठीक है। तो ये हमने ली है 100 ग्राम, आप 150 भी ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन जो कि आपको फजी चाहिए या नहीं, इस तरीके से चॉप कर लेंगे। मैं तो क्या करती हूँ पैकेट में रख के डंडा मारती हूँ
वो पिस जाती है चॉकलेट। और इसको मरियम फुल जान लगा के पीस रही है, चॉप कर रही है, फिर दिखा। अच्छा जी, अब ये चॉप्ड हो गई है डार्क चॉकलेट। अब साथ ही मरियम जो है ना बटर को क्यूब में कट कर रही है, जो कि है तकरीबन हाफ कप। अगर आप मेजरमेंट करेंगे हाफ कप, अगर आप ग्राम्स में लेंगे तकरीबन 80 ग्राम्स होगा ये बटर। ये इसको अब हम माइक्रोवेव करेंगे। और जी यहाँ पे ली है हमने तकरीबन 1 कप पिसी हुई चीनी, मतलब जो चीनी होती है ना उसको आप मिक्सी में डाल के पीस लें। उसके बाद 1 कप के बाद ये ली है 1/4 कप ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 कप और मजीद शुगर ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 कप एंड 1/4 कप आपको शुगर चाहिए। अगर आपको ब्राउन शुगर अवेलेबल है तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। और यहाँ पे जो है ना, अब इस चीनी के अंदर हमने एक एक करके अंडे डालते जाने हैं, मतलब कि 3 टोटल अंडे एक एक करके डालते जाएं, उसको बीट करते जाएं। इसमें इलेक्ट्रिक बीटर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसको हमने बहुत बीट नहीं करना। आप इसको ना सिंपल हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। वो इससे इसलिए बीट कर रही है, उसके पास अवेलेबल था, काफी लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता तो वो हैंड बीटर से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके अंडे को अच्छे से बीट किया, एंड पे वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाला। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से बीट करना है कि ये ना मिक्सचर बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसमें जो है बिल्कुल चीनी नहीं नजर आनी चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी होती है, बहुत ज्यादा वो नहीं होती, फॉर्मी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दूँ, जैसा कि अगर आप लोग बेकिंग करते हैं आप लोगों को पता होगा जो केक का बैटर होता है ना उसके लिए जो अंडे बीट करते हैं उसको हमें बहुत बीट करना पड़ता है, क्योंकि हमें केक ज्यादा एक्स्ट्रा स्पॉन्जी चाहिए होता है। लेकिन जो ब्राउनीज चाहिए होती हैं वो हमें जरा फजी चाहिए होती हैं, जरा थिन होती हैं, इतनी ज्यादा वो जो है ना केकी टाइप नहीं होती। कुछ लोग पसंद करते हैं तो ज्यादा बीट कर सकते हैं, लेकिन जो है ना इसको इतना ज्यादा बीट नहीं करना हो, तो बस इतना बीट करें कि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा थोड़ा कलर अंडों का चेंज होने लगे। सही, अब यहाँ पे जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो रहे थे, जिसके अंदर था हमारे पास मैदा तकरीबन 3/4 कप और कोको पाउडर था इसके अंदर 1/4 कप। और ये जो हमने डार्क चॉकलेट और बटर मेल्ट किया था ना पहले, हम अंडों में ना वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मशीन का काम बिल्कुल खत्म हो गया, स्पैचुला से या कोई चम्मच पकड़ लें, उससे आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे अक्सर लोग गलती करते हैं, बहुत स्पीड से मिक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी ब्राउनी या केक सही से राइज नहीं होता, सख्त बनता है। ये रीजन होती है कि आप लोग इस पॉइंट पे बहुत जल्दी करते हैं। ये काम होता है स्लो करने वाला, पहला काम था हमारा स्पीड वाला, ये काम है स्लो वाला। पहले ना मरियम ना इसको जरा ज्यादा स्पीड से वो कर रही थी मिक्स ना, मैंने कहा इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से यार मिक्स करो, इस तरह जो है ना इजीली मिक्स हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करेंगे फिर कट करेंगे, इससे क्या होगा आपका बैटर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इस मुटली नहीं बनेगी और खाते वक्त जो है ना मजा आएगा और ब्राउनीज सही से बेक हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात क्या, आपका हाथ नहीं थकेगा, क्योंकि इसका बैटर होता है थिक, अगर आप बड़ी जान लगाएंगे ना तो आपका हाथ भी थकेगा। जितना आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करेंगे उतनी ईजिली मिक्स हो जाएगा। तो ये जी इसका बैटर कुछ इस तरह का थिक है। एक पहली रीजन इसकी ये है कि इसमें बटर ऐड हुआ है, बटर जब अंदर आप डालते हैं जारी बात है वो हार्ड हो जाता है, तो एक रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि फजी ब्राउनीज का बैटर हमेशा ही थिक होता है, क्योंकि इसमें कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट नहीं ऐड होता। ये जी अब ये सब बातें क्लियर कर दी, अब मोल्ड को रखेंगे जी ओवन में। ओवन को थोड़ा इग्नोर करें, गैस ओवन के ये हालात होते हैं। बस इसको हम जो है ना बेक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 35 मिनट्स के लिए, 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको रख दें ओवन में। पतीले में भी आप इसको 35 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पतीले में ही बेक करने के काफ़ी बार तरीके बताए हुए हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। 35 मिनट में केक बेक हो जाता है, टूथपिक से चेक कर लिया था मैंने और अब उसे हमने रख दिया था थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर। उतनी देर तक हमने कहा थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, जो हम सामान लेके आए उसको भी थोड़ा खा पी लिया जाए। तो बस हम यहाँ पे सब ऊपर कजन्स बैठे हुए थे, रात का काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन ब्राउनीज खाने का दिल कर था। मरियम भाई ने बड़ी मुश्किलों से हमारे लिए ब्राउनीज बेक की है मेहनत करके, तो आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक कर देना और रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बड़ी अच्छी बनती है। फाइनल लुक में अभी आप लोगों को दिखाती हूँ जी, जरा दिल को थाम ले। तो यहाँ पे देखे जी ब्राउनीज की फाइनल लुक है, देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से बेक हो गई है, बहुत ही फ्लेकी सी ब्राउनी, फजी ब्राउनीज बन के रेडी हुई है, जैसे आप लोगों को बेकरी से मिलती है या आप किसी कैफे में जा रहे हैं वैसा ही टेस्ट था इसका। मैंने भी रेसिपी सिखाई हुई है ब्राउनीज की, आप वो भी देख सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, जो आपको इजी लगे उसमें से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, काफी रिक्वेस्ट भी आई थी ब्राउनीज की रेसिपी सिखाएं, तो ये देखें जी रेसिपी भी शेयर हो गई आप लोगों के साथ, बहुत अच्छी बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। ये देखने जी कितनी फजी है, फ्लेकी है, मस्ट ट्राई। और आई होप आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार सा कमेंट। अल्लाह हाफिज जी, हमेशा खुश रहें।